हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। होप आप सभी ठीक है। तो ये वीडियो एक्सपो 2020 पार्ट वन की कंटिन्यूशन है। अपने पार्ट वन में देखा रहेगा कि हम इंडिया पवेलियन फिनिश करके हम बाहर निकले थे खाना खाने। इंडिया पवेलियन के बाहर ही खाना खजाना करके रेस्टोरेंट था, जहाँ से हम सब ने खाना खा लिया और उसके बाद हम निकले नेक्स्ट पवेलियन को एक्सप्लोर करने। ये जो आप देख रहे हो, ये इंडिया पवेलियन के बाहर रखा था। ऐसे ही इसमें आप रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ये कौन से पवेलियन गए मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमने जल्दी इसे खत्म कर दिया था। सो नेक्स्ट हमने हमने जो पवेलियन कवर किया था वो है डीपी वर्ल्ड कार्गो स्पीड। ये कुछ फ्यूचर चीज़ के बारे में बता रहे थे। 3 फ्लोर का था, इसलिए हमको ऊपर चढ़ के जाना था। ये ऊपर से शुरू होके नीचे जा रहा था, ऐसा पवेलियन था वो। मुझे इतना खास तो नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर एक शो था एंड में ग्राउंड फ्लोर पे, वो बहुत मस्त था क्योंकि उसमें वाटर के जैसा स्प्रिंकल्स वैसा सब ऐड किया था उन्होंने, जैसे 4D जैसा कुछ एक्सपीरियंस था। सो ये है वो शो जिसके बारे में मैं बोल रही थी। सो ये देखने में थोड़ा मजा था। सो नेक्स्ट पवेलियन जो हमने कवर किया था वो था यूएसए का। इंडिया की तरह यूएसए के पवेलियन के लिए भी बड़ी लंबी क्यू थी। इस पवेलियन की एक खास बात थी, आपको चलने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे मूविंग एक्सलेटर था जो आपको सब कुछ लाइन में दिखा रहा था। फिर जैसे ही हम बाहर निकले यूएसए पवेलियन के बाहर, तो हम इनके जगह जगह पे यहाँ पे रोबोट्स थे, जो रोबोट्स एक्चुअली कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए थे, बट जो भी बच्चे इस रोबोट्स को देख रहे थे वो बस उसे रोक रहे थे। एंड ये रोबोट्स बोल रहा था कि आप मेरे वे में मत आओ, मुझे जाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पवीलियन है और सब कुछ कवर करना इम्पॉसिबल था, तो हमको जो अच्छा लग रहा था बाहर से, हम उसी में जा रहे थे। क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सक रहे हो कि शाम हो रही थी और हम थक भी गए थे इतना चल चल कर। सो ये जो आप देख रहे हो, ये गोल्डन कलर के ग्लोब जैसे शेप में, ये यहाँ का एक्चुअली एंट्रेंस है। इसी से सारे जो जोन्स है पवेलियंस के वो कनेक्टेड है। आप कोई भी डायरेक्शन में जाओ तो आपको पवेलियंस मिलेगा। और ये जो जगह है, यहाँ पे बैठने की भी जगह थी और यहाँ पे शोज भी चलते हैं। शोज की टाइमिंग डिफरेंट है, जगह जगह पे हैंड सैनिटाइजर लगाया था। ये आपने देखा ही रहेगा काफी सारे वीडियो में एक्सपो 2020 के, कि एक वाटर एरिया है जहाँ पे सभी खड़े रह के फोटोज निकालते हैं। काफी अच्छा बनाया है, वाटरफॉल जैसा कुछ ट्राई किया है इन्होंने।
जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे शोज चलते हैं, यहाँ पे अभी शो चल रहा था इसलिए हम वापस आए ये जस्ट कवर करने के लिए, लेकिन हमने पूरा शो नहीं कवर किया। सो आप देख सकते हैं कि कुछ बर्ड्स उड़ रहे हैं, एक्चुअली रियल बर्ड्स नहीं है, एक्चुअली शो चल रहा है उसका। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो ये है यूके का पवीलियन। ये जो इसके बाहर लिखा है ये कोई पोएट्री है और सेम वहाँ पे अंदर भी वही रिपीटेड है। इसके लिए भी काफी लंबी क्यू थी और ये भी आपको ऊपर चढ़ के जाना था, फिर आपको ऊपर से नीचे आना था। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक पासपोर्ट होता है, जो पासपोर्ट में आप सभी का पवीलियंस के स्टैम्प ले सकते हो, सभी कंट्रीज के पवीलियन के, सो जो भी आपने अटेंड किया हो। सो ये यहाँ पे मेरी नीस स्टैम्प ले रही है। ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काफ़ी सारे रोबोट्स हैं और सभी बच्चे इस रोबोट को काफ़ी तंग कर रहे थे। सो ये हम आ गए हैं पाकिस्तान पवीलियन में। इनके इन्होंने काफ़ी इनके कल्चर को बताया है, जो भी इनके नॉर्थ टू साउथ तक के कल्चर है, जैसे इनका चौलिस्तान का कल्चर, पंजाब का कल्चर, और वही के कुछ जगहों के कपड़ों के वो सब डेकोरेशंस के काफ़ी सारे इन्होंने डिस्प्ले पे रखा था।
सो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं, सो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें एनकरेज हो जाएंगे कि हमें और भी वीडियोस आपके लिए डालना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक कॉमेंट्स एंड शेयर। सो नेक्स्ट पवेलियन जो हमने कवर किया था वो है बहरेन का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सपो काफी बड़ा है, काफी काफी सारे पवेलियन है और इस सब पवेलियन के अंदर भी काफी वॉकिंग था, तो हमने सारे वीडियो में कवर नहीं किया है। क्योंकि जैसे ही शाम हो रहे थे हम थोड़ा सा घाई कर रहे थे, हम जल्दी ही फिनिश कर रहे थे सब कुछ, फिर हम थक गए थे। सो यहाँ पे हम अब काफ़ी थकने के बाद निकल रहे हैं। हमने सोचा अभी हम कोई भी पवेलियन कवर नहीं करना चाहते थे क्योंकि हम सब थक गए थे, हमें भूख भी लग रही थी। सो अगर आप हमसे पूछोगे हमने कितना पवेलियन कवर किया था उस दिन, अराउंड 17 हमने कवर किया था और कुछ कुछ हमने काफ़ी फास्ट कवर किया था कि हमने ठीक से देखा भी नहीं था अंदर। सो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 200 पवेलियन एक दिन में कवर नहीं हो सकता। इवन इनफैक्ट मुझे तो नहीं लगता आप बग्गी भी लोगे तब भी नहीं कवर होने वाला है। सो अगर आपको सारे पवेलियंस कवर करने हैं तो मुझे लगता है कि आपको मिनिमम 5 days का टिकट तो चाहिए, वो भी सुबह से शाम तक अगर आप सारे पवेलियन को देखने के लिए निकल रहे तो। तो यहाँ पे हम वही एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमने शुरू किया था हमारी जर्नी, और हम उसी तरीके से वापस निकले जैसे हम आए थे। एंट्रेंस से एक बस था जो कि हमें हमारे कार पार्क की तरफ छोड़ रहा था, और कार पार्क से फिर हमने ऑफकोर्स हमारी गाड़ी में आए थे हम, तो हमने वहाँ से अपने गाड़ी लेके निकल गए।
सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें और वीडियोस बनाने का एनकरेजमेंट मिलेगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल। सो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और यहाँ पे एंड में हमने कुछ फोटोज एक्सपो 2020 के इसी वीडियो में अटैच किए, सो प्लीज एंड तक वीडियो देख लेना। थैंक यू, बाय बाय। Thank you.